हिमाचल मानवाधिकार लोक बॉडी ने पठानकोट मंडी फोरलेन परियोजना का कार्य शुरू होने में अत्यधिक देरी के कारण फोरलेन प्रभावितों को पेश आ रही समस्या को लेकर नायब तहसीलदार के माध्यम से केंद्र व प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा और मांगे पूरी न होने पर अनशन पर बैठने की चेतावनी दी। हिमाचल की बहुचर्चित पठानकोट मंडी फोरलेन परियोजना केवल आश्वासनों तक सिमट कर रह गई है। हिमाचल मानवाधिकार लोक बॉडी के अध्यक्ष राजेश पठानिया ने बताया कि हिमाचल मानवाधिकार लोक बॉडी संस्था द्वारा पिछले वर्ष इस महत्वपूर्ण परियोजना को शुरू करवाने के लिए नूरपुर के चौगान मैदान में लगातार 17 दिन का अनशन किया गया था, जिसमें सरकार द्वारा लिखित में आश्वासन दिए गए थे और 17वें दिन जिलाधीश कांगड़ा ने नूरपुर आकर अनशन समाप्त करवाया था। उन्होंने कहा कि उसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिवालय से उन्हें अब तक 3 पत्र प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें सरकार को ये आदेश दिए गए हैं कि वे जल्द पठानकोट मंडी परियोजना के प्रभावित लोगों की समस्याएं सुनें और उनका समाधान करें। उन्होंने कहा कि केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय से भी उन्हें अब तक 4 पत्र प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें उन्होंने लिखित में पठानकोट मंडी परियोजना को शुरू करने के आदेश दिए हैं और ये साफ साफ लिखा है कि मुआवजे की रकम फैक्टर 1 के हिसाब से देनी है या फैक्टर 2 के हिसाब से, ये राज्य सरकार को तय करना है, लेकिन अभी तक राज्य सरकार ये तय नहीं कर पाई है, जिस वजह से पठानकोट मंडी फोरलेन पीड़ितों में भारी रोष है। पठानकोट मंडी फोरलेन परियोजना जो है वो पिछले 5 साल से लंबित है और हमें आश्वासनों के सिवाय कुछ भी नहीं मिला और हमारे जो जितने भी उत्पीड़ित भाई हैं वो इससे बेहद प्रभावित हुए हैं, क्योंकि एक तो कोरोना ने तो अभी हमारा बंटाधार किया, हम तो उससे पहले कोरोना जैसी महामारी, ये फोरलेन का जो परियोजना अपने समय पर शुरू ना होने के कारण हम लोग इसका दंश पहले से झेल रहे हैं और हमने पिछले वर्ष इसी फोरलेन परियोजना को शुरू करवाने हेतु 2019 में इसी महीने में 29 अक्टूबर को एक अमरण अनशन किया था सरकार के और केंद्र सरकार के समक्ष नूरपुर चौगान मैदान में, और जो कि 17 दिन चला था और 17 दिन बाद सरकार हमारे पास आई और हमारी जो मांगे थी वो लिखित में मानी गई और उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि जल्द फोरलेन का जो कार्य पठानकोट मंडी परियोजना का वो शुरू हो जाएगा, परंतु सरकार ने आज तक सिवाय हमने अखबारों में टीवी चैनलों में इसके अलावा हमने कुछ नहीं देखा। हम जब NHAI के अधिकारियों से बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि ठीक है जी, हमारी ओर से कुछ नहीं है, हमने तो सब कुछ कर दिया हुआ, हमने जो पत्र थे वो DC साहब को भेज दिया और DC साहब ने आगे SDM साहब को भेज दिए हुए हैं, और जब हम प्रशासन से बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि सरकार से हमें हरी झंडी मिल चुकी है, पर यह हरी झंडी हम लोग इसका क्या करें, क्योंकि धरातल पर इसका कुछ भी नहीं है। आपने हमारे लिए ये जो पठानकोट मंडी परियोजना, ये हिमाचल का जो विकास करना वो तो अलग है, आप तो हमारा जीना दुबर कर रहे हैं, हम कहाँ जाएं? आपकी सरकार एक तरफ तो आप अपना मुआवजा नहीं, आप एक डिसीजन तक नहीं ले पाए, क्योंकि हमें केंद्र मंत्रालय से लिखित में आदेश हैं कि फोरलेन के आदेश दे दिए गए हैं और ये फैक्टर 1 देना या 2 देना ये आपकी सरकार राज्य तय करेगी। अब राज्य सरकार को 1 साल से ऊपर हो गया, 1 साल क्या 3 साल हो गए हैं, आपने ये जब आपने घोषणा पत्र दिया था तब आपको नहीं पता था कि ये फैक्टर 2 हम नहीं दे सकते हैं या 1 दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, तब आपने सोचा नहीं। आज आपने एक फैक्टर हमें मुआवजा देने के लिए कम से कम 3 साल लगा दिया, छोटा सा डिसीजन लेने के लिए, और इस वजह से हमारी जो लोग हैं, जो पठानकोट से लेके 32 मील तक के जो लोग हैं, जो 32 करीब 4000 के करीब लोग हैं और सारे इतने उत्पीड़ित हो चुके हैं, सरकार क्या चाहती है कि एक आध की बलि चली जाए, या जनता के दर्द की उसको कोई परवाह नहीं है? अगर यही सरकार चाहती है कि हमारी कहीं जान ही लेने पर तुली है, क्योंकि हमारे 2 जो विस्थापित प्रभावित थे वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं 2 साल पहले, और मैं ये अनाउंस करता हूँ कि ये 14 तारीख का नोटिस आया हुआ है नीलामी का, हम ये इसे किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे, और मैं प्रशासन और सरकार को ये बताना चाहता हूँ, आज हमने केंद्रीय मंत्रालय भूतल परिवहन मंत्री को एक पत्र भेजा और आज हम ये मुख्यमंत्री को भी भेज रहे हैं, और मैं प्रशासन को ये बताना चाहता हूँ कि अगर इसको रद्द ना किया गया और जो मुआवजा जल्द इन्हें ना दिया गया तो हम इसके लिए एक सांकेतिक धरना, क्योंकि हमारे ऊपर एलिगेशन लगा था कि पिछली बार आप सीधे चले गए थे और आपने जो है हमें तरीका नहीं बताया कि कोई तरीके और होते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए था, और इस बार हम वो स्टेप फॉलो कर रहे हैं,
हमने अगले हफ्ते एक दिन पहले यानी 13 तारीख को यहाँ पर एक दिन का अमरण अनशन करेंगे और सामूहिक तौर पर करेंगे और उसमें पानी भी हम ग्रहण नहीं करेंगे और उसकी जिम्मेदारी पूरी पूरी सरकार की होगी। हम चाहते हैं कि हमें दोबारा संघर्ष के रास्ते पे सरकार ना धकेले, अन्यथा हम भी भगत सिंह के फॉलोअर हैं, किसी भी कीमत पर अपने हक के लिए। सिटी चैनल के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट।